कौन है दिवाली दे गुलाम रमदान दा चन चढ़ना है कई मावा ने सहरी बना के रोना है कई बाप जाके दुकान तो सहरी लेके आके रोन गे कई पैना सहरी बना के रोन गिया तुसी आखो के मौलवी दी बरकता वाला महीना है इस महीने च रब दी रहमत दे दरवाजे खुल जाते ने रोन वाली गल केड़ी है मैं कह जी तो पहला रोदा आना है शहरी का वेला होगा कई गल चो रोन दवाजा आनगियां भैन तोएगी पिछले साल उस भैन ने शहरी बनाई सी ओदे वीर ने रोजा रखिया सी साल बदल गया है शहरी भैन ही बनाई है खान वाला वीर तुर गया है कोई बेटी रोवेगी शहरी बेटी बनाई सी रोदा मां ने रखिया सी साल बदल गया है किसे दी मां तुर गई है किसे दा बाप तुर गया है किसे दा यार बेटी तुर गया है कईयां वीरां दियां भैणां तुर गईयां कईयां भैणां दे वीर तुर गए नी इन्हां सामने शहरी रख के अपने जान वालियां नूं याद करना है मां रोवेगी रब्बा पिछले साल मैं अपने पुत्र दे नाल रोदे रख दी रही हां कई पुत्र रोण गए अल्लाह पिछले साल मां ते बाबा भी रोंदे रखदा रही इस साल मेरी मां तुर गई है मेरा बाबा भी तुर गया ई कईयां नूं अपने जान वालियां दियां यादां ने तंग करना है असीं दा पता शुक्र अदा करिए उस अरशा वाले खुदा ने साडी जिंदगी तेरे महीना अदा किया है फिर सारे आखिए इलाही शुक्र तेरा फिर माहे सिया माया इलाही शुक्र तेरा फिर माहे सिया माया माहे श्याम नहीं ईद का पया माया माहे श्याम नहीं ईद का पया माया और हजार माह से बेहतर है एक रात इसकी महीने में अल्लाह का कुरान आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फकत काल अल्लाहु तआला फी शान हबीबिही मुखबिरन वामिरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امدادكم أجرا جو غم آزادكم दर्दीन दुनिया शाद कुन या हो से आजम दस्तगीर गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा ख्वाजा अमीर उद्दीन वली खुतबे आलम पना बहाने मागरीवा
ओ खुदा रायक निगा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। मिल के पढ़िए सलात व सलाम अलैका वाला अलिका व सहाबिका या सैयदिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमदो सना तो बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक ते हदीए दुरूदो सलाम दा नजराना अर्ज करने तो बाद वाजिबुल एहतराम सामने मुतशम बुजुर्गो दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज दा ए पकीजा जुमातुल मुबारक दा इज्तिमा जिस दे अंदर बंदे फकीर भी हाजिर है आप बाप भी हाजिर हो। रमजान शरीफ की आमद आमद है। नबी पाक दी ही सलाम दे गुलामां नूं चा चढ़ गया है ते हजूर दे गुलाम बड़े खुश ने कि या अल्लाह तेरा शुक्र है साडी जिंदगी दे अंदर रमजान शरीफ दा महीना ता फरमाया है। बस मैं अज तकरीर थोड़ी नहीं करनी है बिल्कुल मुख्तसर चूंकि मैं काफ़ी दिनों तो लंबे लंबे सफर ते जगराता और तबीयत भी काफ़ी खराब है। सुबह तो पसनिया काफ़ी ज़्यादा दर्द सी। मौलाना अब्दुल रहमान नक्शबंदी साहब ने मैं कॉल की थी मैं कभी तुसा आके मेरी जगह पर जुमा पढ़ाओ वो भी तशरीफ ले आए लेकिन फिर मैं चूंकि कोशिश आप ही की थी कि चलो मैं ही हजूर दी बार का चादरी लवा ला तो हजरत साहब ने मैंने यही आखिया जी आ मैं जाना पर मैं तकरीर थोड़ी सुननी है मैं तकरीर नहीं करनी तो मैं मेडिसिन खा के थोड़ी ज्यारत की हाजिर हो गया तो सिर्फ मैं चंद बातें करनी ने तो जेहो जी भी हो कबूल करनी है। हाजी बशीर साहब माशाल्लाह और मोहम्मद बिलाल साहब अपने संगियों नाल मियां मोहम्मद सगीर साहब सारे जितने भी संगी आए हो सफ़र करके आए हो अल्लाह करीम सफ़र आसानियाँ पैदा फरमाए। तो चूँकि बाहर तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा खराब है इस मौसम में कोई नहीं निकलता लेकिन हजूर की मोहब्बत के चाहे ने अल्लाह करीम सरकार दो आलम सल्लम की यह मुहब्बत जी लैके आए ने इस मुहब्बत अपनी बारगाह के अजरे कसीर अता फरमाए। अजीज़ा ने ग्रामी कदर ये बरकतां वाला महीना रमजान शरीफ का आ रहा है तो हजूर के गुलामों को खुशी है चाह है लेकिन चाह उन्होंने जिन्हें रोजे रखने ने जिन्हें रोजे जिन्हें दो दो साल पुराने एक्सरे कट के जेबां च पा के फिरना उन्होंने चाह नहीं उन्हें एक्सरे पुराने कटे होने तैन करके सामने करने भी सानू डॉक्टर साहब ने रोजा रखने तो मना किया है पुरानी रिपोर्टा चुकी फिरन गए कई बंदे लेकिन साहेबो अज जुमे के इज्तिमा विच असी रमजान शरीफ का इस्तकबाल करना है नबी पाक अलैहि सलाम की सुन्नत के मुताबिक करना है कोलो नहीं मेरे नबी पाक अलैहि सलाम भी रमजान शरीफ तो पहले सहाबा नु जमा करके सरकार रमजान शरीफ के आने का इस्तकबाल करते सन ते तरीका की है नबी पाक ने सारे सहाबा नु सामने बिठा लेना ते सरकार फरमाना सहाबा जी या रसूल अल्लाह फरमाया उस महीने की खुशखबरी ना दिया जिस महीने चला अपनी रहमत दे दरवाजे खोल देंदा है। मेरे आका फरमाया सहाबा महीना आ रहा है जिस महीने में चला करीम अपनी रहमत दे दरवाजे खोलदा है। दूसरा जुमला नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे आका फरमाया सहाबा ओ महीना तशरीफ लेके आ रहे हैं जिस महीने के अंदर शैतान नु कैद कर दिया जाता है। फिर मेरे आका फरमाया सहाबा ओ महीना आ रहा है जिस महीने के अंदर बंदा नेकी एक करता है अल्लाह 70 गुना बढ़ा के सवाब अता फरमाता है। एक नेकी का सवाब कितना बोलो कितना 70 गुना बढ़ा के रब सवाब अता फरमाता है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा ओ महीना तशरीफ लेके आ रहा है जिस महीने च बंदा नफली इबादत करके अल्लाह का कुरब हासिल करे ते मेरा रब उन्हें फर्जी इबादत का सवाब अता फरमांदा है ते जड़ा फर्ज इबादत बाजमात अदा करे पाबंदी करे फर्ज इबादत दी मेरे आका फरमांदे ने रब उन्हें 70 फर्जा जिन्ना सवाब अता फरमांदा है। ते फिर अगले जड़े जुमले मदीने के तारेदार ने बोले ने साहेबो दिल की तख्ती ते लिख लो नबी पाक फरमाते ने सहाबा ये ऐसा सोहना महीना है ऐसा बरकत वाला महीना है इस महीने विच जेड़ा बंदा किसी रोजेदार दा रोजा अफतार करावे
अल्लाह अवतार करान वाले नु भी इन्ना ही सवाब देंदा है जिन्ना रोजा रखन वाले नु सवाब मिलदा है। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह, जेड़ा बंदा दस्तरखान वसी ना कर सके, यानी रंग बिरंगे फ्रूट, रंग बिरंगे खाने, रंग बिरंगे मशरूबात जेड़ा बंदा ना पेश कर सके होवे माड़ा, पर दिल करे मैं किसी का रोजा अवतार करावा, उहदे बारे की हुक्म है? नबी पाक फरमांदे ने चूंकि रब दी रहमत दे दरवाजे खुले ने ना इस महीने च, जेड़ा बंदा किसी नूं एक खजूर खवा के एक घुट दुध पिला के रोजा अवतार कराएगा उहनूं भी उन्ना ही सवाब मिलेगा जिन्ना रोजेदार नूं मिलेगा। आहा, किड्डे किड्डे सोहणे इनाम ने यार। रमजान शरीफ दी आमद तो पहले ए इस्तकबाल मेरे नबी पाक ने सहाबा दे इज्तिमा च बैठ के कीता। मेरे नबी ने इस बरकतां वाले महीने दी शाना बयान कीतियां। अज असी भी नबी पाक अली सलाम दी सुन्नत ते अमल करिए। रमजान दा महीना आ रहा है, अज असा ते तुसा सारे मिलके इस महीने दा इस्तकबाल करिए। ते कौन है दे वाली दे गुलाम कहणगे इलाही शुक्र तेरा फिर मांगे से शुक्र तेरा फिर माहे से आ जेड़ा जेड़ा शुक्र करन आया जिनू जिनू रमदान दे आमण दी खुशी है ओ मेरे नाल हाथ चुक के पड़े इलाही शुक्र तेरा फिर माहे से आ माया इलाही शुक्र तेरा फिर माहे से माया माहे से आम नहीं ईद का पया माया माहे से आम नहीं ईद का पया दे गुलाम रमदान दा चन चढ़नाए कई मावा ने सहरी बना के रोना है कई बाप जाके दुकान तो सहरी लेके आके रोणगे कई भैणा सहरी बना के रोण गियां तुसी आखोगे मौलवी दी बरकतां वाला महीना है इस महीने च रब दी रहमत दे दरवाजे खुल जांदे ने रोण वाली गल केड़ी है मैं कह जी तो पहला रोदा आउणा है शहरी का वेला होगा कई गल चो रोन दियां आवाज़ां आउणगियां भैन तां रोएगी पिछले साल उस भैन ने शहरी बनाई सी उहदे वीर ने रोजा रखिया सी साल बदल के आए शहरी भैन ही बनाई है खाण वाला वीर तुर गया है कोई बेटी रोवेगी शहरी बेटी बनाई सी रोदा मां ने रखिया सी साल बदल के आए किसे दी मां तुर गई है किसे दा बाप तुर गया आई किसे दा यार बेली तुर गया आई कईयां वीरां दियां भैणां तुर गईयां कईयां भैणां दे वीर तुर गए नी इन्हां सामने सहरी रख के अपने जान वालियां नूं याद करना है मां रोवेगी रब्बा पिछले साल मैं अपने पुत्तर दे नाल रोदे रखदी रही आ कई पुत्र रोण गए अल्लाह पिछले साल मां ते बाबा भी रोंदे रखदा रही इस साल मेरी मां तुर गई है मेरा बाबा भी तुर गया ई कईयां नूं अपने जान वालियां दियां यादां ने तंग करना है असीं रब दा शुक्र अदा करिए उस अरशा वाले खुदा ने साडी जिंदगी दे अंदर महीना अदा कीता है फिर सारे आखिए इलाही शुक्र तेरा फिर माहे से माया इलाही शुक्र तेरा फिर माहे से माया माहे से आम नहीं ईद का पया माया
और हजार बाह से बेहतर है एक रात इसकी इसी महीने में। अल्लाह का कुरान आया इसी महीने में, अल्लाह का कुरान आया इसी महीने में, अल्लाह का कुरान दे बादी दे गलामों बारह महीने में। अल्लाह ने किसे महीने दा ना लेके कुरान च शान बयान नहीं कीतिया। जदों रमदान दी बारी आई अल्लाह ने इरशाद फरमाया शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये रमजान दा महीना है। अर्द की दिया ले इस महीने दी शान की है। अल्लाह ने फरमाया उन्ज़िला फीहिल कुरान इस महीने जैसा यार दे कुरान नादल फरमाया है। ये महीने दी की दी शान है रमजान बेच कुरान आए, रमजान बेच कुरान आए, रमजान बेच कुरान आया है। एक ऐसा बरकता वाला महीना है इस महीने च अल्लाह ने कुरान नादल फरमाया। ते बारह महीनिया बिचों किसे दा नाम लेके कुरान च शाना दा जिक्र नहीं कीता। जदों रमजान दी बारी आई अल्लाह ने फरमाया शहरु रमदान रमदान दा महीना है, रमजान बिच कुरान आए ते कुरान बिच रमजान आया। बारह महीने चो ये बरकत वाला महीना जिदा ना लेके अल्लाह कुरान दी शान नु जिक्र कीता। फरमाया शहरु रमदान ये रमजान दा महीना है, इस विच कुरान आया, रमजान विच बोलो रमजान विच। ते बारह महीनिया विचों एक रमजान है जिदा जिक्र कुरान च ना लेके कीता गया। ते हुन रमजान विच कुरान आया ते कुरान विच कुरान विच ऐसा बरकतां वाला। हुन इस महीने च साडे वास्ते इनाम की ने, असां इहदा अदब किन करना है। कई बंदे जिहड़े रोज़ा नहीं रखते, शरी उज़र होवे ते माफ़ी है, जे शरी उज़र तो बगैर बंदा रोज़ा नहीं रखता ते गुनाहगार है। ये महीना बरकतां लै रहमतां लै, ते रहमत उहदे ते होवेगी जिस रोजे दा अदब कीता होवेगा ते रोजा रखिया, ते जिस रखिया नहीं शरी उज़र भी नहीं ते चौक सिगड़ ला के खलोता होवे ते वह भी आखे जी मैं रमजान दियां बरकतां लुटनियां ने, वह चौधरी रमजान की बरकत ते लै सकदा, माहिर रमजान की बरकत नहीं लै सकदा। चौधरी रमजान दियां मजां नूं पट्ठे पा लवे ते कुछ लभ सकदा है, लेकिन रमजान शरीफ की बरकत उन्होंने मिलेगी जरा अदब भी करेगा ते रोजा भी रखेगा। हुण तवज्जो रखनी है। नबी पाक अली सलाम ने इरशाद फरमाया रमजान शरीफ के महीने च पांच चीजा ऐसियां ने, किनिया जिहड़ियां मेरी उम्मत नूं अता कीतियां गईयां ने पिछलियां उम्मतां नूं। कैसा इनाम है ओ हजूर दी गुलामी ते नाद करिया करो मदीने वाले दे गुलाम आ, रब सानू इनाम पे अता फरमांदा है। पांच चीजां हजूर फरमांदे ने ऐसियां ने जिहड़ियां पिछलियां उम्मतां नूं अता नहीं पर मेरी उम्मत नूं अता ने, ते रमजान शरीफ दे महीने च अता कीतियां गईयां। वो केड़े पांच इनाम ने जिहड़े अल्लाह ने यार दे गुलामां ते कीते ने, सुनोगे ते ईमान ताजा हो जाएगा। ते हुण जे ए सुन के भी बंदा रमजान दा अदब ना करसी ते रोजा ना रख सी वह बदबख्त है। नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने खाक आलूद हो जाए नक उहदी, गर्क हो जाए वह बंदा जिहड़ा रमजान शरीफ का महीना पावे एदा अदब ना करे ते अपने रब नूं राजी ना करे। हजूर फरमांदे ने बंदा खाक आलूद हो जाए, गर्क हो जाए, ते जिन्हों हजूर ये गल कह देन उहदे पल्ले बचदा की है। इस वास्ते इहदा अदब भी जरूरी है, इस महीने च अल्लाह नूं राजी करना भी जरूरी है।
हुण तवज्जो फरमाओ पांच इनाम केड़े ने जेड़े अल्लाह ने यार दे गुलामां नूं अता कीते लेकिन पिछलियां उम्मतां नूं बोलो पिछलियां उम्मतां नूं ए बद साडा इनाम है जेड़ा हजूर अली सलाम दी वजह तों अल्लाह ने अता फरमाया कौन है दिवाली दे गुलामो मेरे नबी ने फरमाया पांच चीज़ां ऐसियां जिहड़ियां अल्लाह मेरे यार दे गुलामां नूं अता कीतियां ने मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत वास्ते पांच चीज़ां दा इनाम रमजान दे महीने च रखिया है कमली वाले आ केड़ा इनाम है मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत दा पहला इनाम है मेरी उम्मत दा जिहड़ा भी रोजेदार है जिहड़ी रोजेदार दे मूंह दी बूए मेरे रब नूं कस्तूरी नालों भी प्यारी लगदी फिर नबी करीम ने फरमाया दूसरा इनाम है मेरी उम्मत दा जिहड़ा रोजेदार सहरी करदा कदे कुरान पढ़दा है कदे दरूद पढ़दा है कदे फर्ज नमाज पढ़दा है कदे नफल नमाज पढ़दा है मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामां नूं दूसरा इनाम ए अता कीता जा रहा है जेड़ा मेरा उम्मती रोजेदार है समंदरां दीआं मछलियां रोजेदार दी बख्शिश दी दुआ करदियां वाह कमली वाले दिया गुलामा कैसा इनाम है जदों तीसरे इनाम दी बारी आई मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामा वास्ते रमजान दे महीने दे अंदर जन्नत सजाई जांदी है जदों रोजादार सहरी करदा मेरा रब हुक्म दिंदा जन्नत सजा दियो जदों जन्नत सज जांदी है रब दी कुदरत कहंदी है जन्नत वेख आई एडी गर्मी दी अंदर मेरे यार दा नौकर दे गुलाम है जड़ा सामने पानी रख के मेरी रदा दी खातर पीता नहीं सामने खाना मौजूद है मेरी रदा दी खातर खाता नहीं गुनाह दी तरफ जाता भी नहीं मेरे आका ने फरमाया रोजेदार वास्ते जन्नत सजाई जाती है रब फरमाते जन्नत है मेरे यार दा उम्मती रोजेदारी जे ऐसे हालत च मेरे वाले आ गया इनू मैं तेरे अंदर भेज देवांगा जन्नत मैं तेनू इनाम बना के यार दे गुलाम नूं अता करांगा मेरे आका ने फरमाया जड़ी चौथी चीज मेरे गुलामां नूं अता कीती गई जदों रमजान दा महीना आउंदा मेरे उम्मतियां लई रब शैतान नूं कैद कर दिंदा है मुसलमाना शैतान ते कैद कीता गया जिहड़ा बंदा फिर भी गुनाह तो बाद नहीं आ रहा ओनू सोचना चाहिए मेरा केड़ी लड़ी नाल तालुक मिलदा है मुसलमाना गुनाह दे नेड़े भी ना नहीं जदों पंजवें इनाम दी वारी आई मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामां नूं पंजवां इनाम है जदों रमजान दी आखरी रात आउंदी है मेरे गुलामां वास्ते रब जन्नत दा परवाना जारी फरमा देंदा आखरी रात ते जन्नत दा परवाना हजूर फरमांदे ने जदों रमजान दी आखरी रात आउंदी ए मेरे गुलामां वास्ते जन्नत दा परवाना सहाबा कीती सोहणिया जिहड़ी आखरी रात ए तवज्जो रखणी ए इहदे तों मुराद शबे कदर दी रात है हजूर फरमांदे ने उहदा अजर अपनी जात ते है लेकिन जिहड़ी रमजान दी आखरी रात ए इह आखरी ही ए यानी हजूर फरमाना चाह रहे ने आखिरी रात तो मुराद चांद रात है केड़ी रात है मजदूरी तो उदो ही मिलती है ना जो बंदा काम पूरा कर लवे हुण मसीते जो बंदा मुलाजम ला दे मिस्त्री दे नाल मजदूर लावे तो चंद इटा लिया के मजदूर आके जी पैसे दे दियो तुसां दे देना तुसां आखना भा छामी काम पूरा कर मजदूरी पूरी कर ते फिर तेनू पैसे भी देने आ हजूर फरमाते जो मेरा गुलाम पूरा महीना मजदूरी करदा है रोजे रखदा है
आखिरी रात आउंदी है ते उनू मजदूरी इन्हें दी मिलदी है कि ओदे नां दा जन्नत दा परवाना जारी किया जाता है। वो केड़ी रात है सारे बोलो, उन्हें तो सोचने वाली गल है, थोड़ी कौड़ी पर है चंगी है, कौड़ी दवाई खाओ तो राम जल्दी आ जाता है। पूरा महीना कई ने रोजे रखने ने, जिन्हें सारा साल सिर नहीं ना कदिया, पूरा महीना सिर तो टोपी लाउनी नहीं। जेड़े साल च मसीते उदो आउंदे सन जदों जुत्ती पुरानी हुंदी सी, जुत्ती बदलन उन्हें पूरा महीना सब तो पहले मसीते आना, दिया के कारी सानू तंग करना है। किन्ना टाइम है जान च, किन्ना टाइम है नमाज च, अज रोजा किन्ने बजे खुलना है, सहरी किन्ने बजे बंद होनी है, पूरा साल नहीं कड़े। पर इस महीने च आउंदे रहे, चलो मेहरबानी आ गए ने, भला असी क्यों डकीए, रब की रहमत आती है। तू सारी उम्र गुनाह करता रहा ना, बुढ़ा हो गया, जो तो किसे नहीं उन्हें नेड़े लाया, उदो ही मेरे वाल आ जा, मैं फिर भी तेन अपनी रहमत के साए थले छुपा लेना। तो चलो जो महीना बंदा आ गया, पूरा महीना मजदूरी की थी है, तो चांद रात को मिलना इनाम, चांद रात को मिलनी मजदूरी। तो हुण जिहड़े बंदे ने घरों डब्बे कढ के चौक जला के ते गाने ला लैने, उन्हों मजदूरी की मिलनी। तो जिन्ना चांद रात सारी रात चौक च बह के गुजारनी, उन्होंने मजदूरी की मिलनी। जिन्ना चांद रात सारी रात नाई की दुकान पर बह के गुजारनी, क्लीन शेव करवानी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुनत नू नाली चरोड़ना है। पूरा महीना रोजे रखे ते चांद रात नू पल्यों पैसे दे के आखना मुझा भी ला दे ते दाड़ी भी ला दे, उन्हों मजदूरी की मिलनी। तवजो है कि नहीं? जे गल च फर्क होवे तो तुसा सवाल करन दे हकदार हो, कह सकते हो मौलवी जी एवं झिड़का ना मारो, तो जे गल सच्ची होवे तो अमल करना भी जरूरी है। वो जो मजदूरी लैनी आ, जिमें पूरा महीना गुलाम ही रसूल सल्लम का पटा गले च पा के गुलामा वाले काम करता रहे, ये मजदूरी की रात ही इनू चौकों च बाजारों च एल सी डिया ला के डब्बे ला के इस रात को जाया ना करी, बल्कि इस रात को मुसल्ला बिछा के सजदे पै के रब की बारगाह च रो के अर्द करी, या अल्लाह पूरा महीना उवें ही करदा रहा जिमें तेरा कुरान आंदा रहा ई, मदीने वाले का फरमान आंदा रहा ई, या अल्लाह जे मजदूरी देनी आ ते मेरे हक च फैसला वह करी, तू भी राजी रवे, तेरा रसूल भी राजी रवे। आखिरी रात हजूर फरमाते जन्नत का परवाना, बोलो जन्नत का परवाना जारी। हुण कैसा महीना है, रमजान शरीफ के महीने विच भी अल्लाह करीम ने अपने हबीबे पाक अली सलाम नू कुली इख्तियार अता फरमाए, कुली एक रोजा टुट जाए ओदा कुफारा की है, या तो सट्टा मस्कीना नू खाना खवाओ, या दो महीने लगातार, तो या एक गुलाम, ये एक रोजा टुट जाए तो वह कुफारा है। लेकिन हजूर की बार गए तो अल्लाह करीम ने हाकमीयत का ताज यार दे सिर से पाया, सोने जिमें तू राजी होवें मैं राजी। नबी पाक की बारगाह ते गुलाम आ गया, यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रोजे की हालत च बीवी के करीब चला गया तो रोजा टुट गया है, हजूर फरमाते ने कुफारा अदा करो, या तो गुलाम आजाद करो, या दो महीने लगातार, तो या सट्टा मस्कीना अर्द की सुने, तिने कमां की गुजाइश नहीं मेरे को, मेरे आका फरमाते ने उठे बह जा। गुलाम साइड से बैठ गया तो झट घुन गया, एक होर गुलाम आया जिन्हें सिर से खजूर का टोकरा चाया है, तो हजूर की बारगाह च तोहफा लेके आया है, यार रसूल अल्लाह खजूर का टोकरा है तो मैं तोहफा लेके आया। कौन है दिवाली दे गुलामों मेरे नबी दी बारगाह चाइया, जो खजूरा मेरे आका दी बारगाह दे अंदर ले आके गुलाम ने पेश की दिया, मेरे आका ने फरमाया जड़ा सवाल करना है जरा उन्हों बुला के ले आ, सवाल करने वाला मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर आ गया, मेरे आका ने फरमाया दस की करके आया है, अर्द की कमली वाले रोदा तोड़ बैठा, मेरे आका ने फरमाया मैं तेनू की आखिया है, अर्द की कमली वाले तुसी फरमाया या गुलाम आजाद कर दे, या सट्टा मस्कीना नू खाना खिला, या दो महीने रोजे रख ले, अर्द की कमली
ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੱਚਾ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਮਰੀ ਵਾਲਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੁਲਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਕਮਰੀ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੋਲਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਆਪ ਖਾ ਲੈ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਖਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਤੇਰਾ ਕਫਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਤੇਰਾ ਕੁਫਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਯਕੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕੀ ਰੱਖ ਥੋੜੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਇਖਤਿਆਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਦਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਦਾਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇਤਨਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ 1 ਬੋਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਯਾਰ 1 ਬੋਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁਲਾਣੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਪਰ ਭੈਣ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 1 ਗੱਡੀ ਵੰਡੀ ਉਹਨਾਂ 100 ਗੱਡੀ ਵੀ ਵੰਡੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਏ ਅੱਬੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਏ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਏ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਪ ਵੀ ਜੇ ਭੈਣ ਮਾੜੀ ਏ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ
जे भरा माड़ा ही ते भरा दा ख्याल करके भरा नूं भी जे ए रिश्ते राजी हो जाणगे फिर रब भी राजी हो जाएगा ते रब दा रसूल भी राजी हो जाएगा। पहिलो रिश्तियां दी कदर करो। मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने कलमा शरीफ दा विर्द बस मैं एक ही शेर पढ़ देना ये चूंकि ये मौजू दे नाल थोड़ा अटैच भी हो गया है। ऐलान भी ये चंदे वाले भी आ रहे हैं मस्जिद का जरा चंदा है ये भी दियो। रमजान शरीफ की आमद है एक देना ते मिलना किन्ना बोलो बोलो किन्ना ते जे रमजान शरीफ की तैयारी पहलों की है तो चंदा भी पहलों पहलों ही हुणे तो ही आदत पका लो जिते हर जुमे 100 देंदे सो हुण तो सा 200-400 दिया करना है। रमजान शरीफ दियां बरकतां लुटनियां ने ये पैकेज मिले है असा ये पैकेज जाया नहीं करना। पहलों करीबी रिश्ते अगे गर्मियां भी आ रही ने जी मैं रोजा रख के तकरीर करनी है तो मेरा पखा को ला के लै गया इतों करके मसीतों एडे लोग चंगे ने उन्होंने आख्या लो भाई होर तो कोई शह नहीं लभी कारी आकम जी वाह दें ना वो पखा लै जाओ तो हूँ गर्मियां आ रही ने मेहरबानी फरमा के तुसा भी मुहब्बत करनी है ताकि असं पखा भी मसीते लिया के ला लीए। हाँ जो तुसा पक्के की वाह लैनी है तो मैं भी थोड़ी जी वाह दा देना हकदार ते आना आदि दाने ग्रामी कदर पहलो ये रिश्तियां दी कदर जरूरी है। मां बाप बहन भाई पहलो इन्हां नूं राजी करेगा फिर रब भी राजी ते रब दा इसे वास्ते मौलवी आकर ते पैगाम देंदे बिना बाप ना मिलदियां रावाने ते हुंदे वीर वीरांदियां पावाने ओ बिना बाप ना मिलदियां रावाने हुंदे वीर वीरांदियां पावाने ओ पर मावाया खर मावाने पढ़िए ला चला राम के दरवाजे खोलदा है मेरे रब की रामत पकार दिए खाली हाथ आवे चोली पर देवा तेनों माल औलाद में सर देवा खाली हाथ आवे चोली पर देवा तेनों माल औलाद मैं सर देवा तेरी हर मुश्किल कर हल देवा पढ़ लैला इलाहा मौन भी आकब ते दुआ मंगिए जो मरा मैं जुम्मे वाला रो मेरी मैयत ते कल में दा जोर होवे जदों मरां मैं जुम्मे वाला रोज होवे मेरी मैयत ते कल में दा जोर होवे आँख खुले ते नबी मेरे को رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ دیتے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نوں مان